ओमिक्रॉन डराता है। जी हाँ, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अभी भी मंथन चल रहा है कि ये पूर्ववर्ती डेल्टा वेरिएंट से कितना खतरनाक है। इसी बीच ओमिक्रॉन पर वैक्सीन को लेकर एक स्टडी भी हुई है। ये स्टडी फाइजर वैक्सीन पर दक्षिण अफ्रीका में मौजूद अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि फाइजर वैक्सीन की दो डोज का ओमिक्रॉन पर असर आंशिक तौर पर ही है। वहीं ओमिक्रॉन की दहशत को देखते हुए अब यूपी में सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 भी लगा दी है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। साथ ही ये आदेश 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी भी रहेगा। तो ऐसे में सरकारें पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं और अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि यूपी सरकार की गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, धारा 144 लखनऊ में लागू की गई है। साथ ही आपको बता दें कि गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ जिम खुलेंगे, यानी कि अब फिर से जिम में 50% लोग ही पहुंच सकते हैं और होटल को भी 50% क्षमता के साथ खोले जाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि एक बार फिर से पाबंदी लगती हुई नजर आ रही है और स्टेडियम में भी 50% क्षमता के साथ ही लोगों को एंट्री मिलेगी। इसके बाद आपको बता दें गाइडलाइंस में सरकार ने कहा है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ऐसे में ये गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से जो जारी की गई है और कहा गया है कि 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन में कहा गया है कि शादियों में 100 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी बैन है। और साथ ही आपको ये भी बता दें क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन लोगों को करना होगा। यानी कि एक बार फिर से वही पाबंदियां लौटती हुई नजर आ रही हैं जो अब से कुछ महीने पहले थी। तो ओमिक्रॉन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि ये भी कहा गया है कि जो ओमिक्रॉन को लेकर अफवाह फैलाएगा उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कहना गलत नहीं होगा कि अब से कुछ महीने पहले जो हाल देश का नज़र आ रहा था, कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन टाइप जैसा जो लग रहा था, वो फिर से चीज़ें लौटती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि लखनऊ में तो अब सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी जगह जैसे जिम हो गए, होटल हो गए, स्टेडियम हो गए, वहाँ पर 50% क्षमता के साथ ही लोगों को अब इजाज़त होगी जाने की। साथ ही आपको बता दें देश में ओमिक्रॉन के कितने केस हो गए हैं वो भी बता दें। राजस्थान में 9 केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। इसके अलावा गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में ओमिक्रॉन का 1 ही केस सामने आया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अभी तक ओमिक्रॉन के 10 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पे कर्नाटक में 2 केस, दिल्ली में 1 केस ओमिक्रॉन का सामने आ चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई राज्यों में ओमिक्रॉन के जिस तरह से मामले मिल चुके हैं, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। और इसीलिए सबको अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए अब राज्य सरकारें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट होती हुई, सतर्क होती हुई नज़र आ रही हैं। यूपी सरकार की बात की जाए तो यूपी सरकार ने पहले से ही कदम अब उठा लिए हैं। आपको बता दें ओमिक्रॉन को लेकर जो है हर कोई अलर्ट नजर आ रहा है, सरकारें भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। और अब यूपी की बात की जाए तो यूपी में क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर लगातार जितनी भी जानकारी हो सकती है वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। इसीलिए तमाम डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। एक बार फिर आज आपको बता दें अमित यादव चिकित्सक हैं लोहिया अस्पताल से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर अमित। जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर हर रोजाना बहुत नई नई जानकारियां, बहुत नई नई बातें और स्टडीज सामने आ रही हैं, तो ऐसे में ये समझना चाहेंगे कहा अब जा रहा है कि ये कोविड जो है उससे के डेल्टा वेरिएंट जो था उससे लक्षण बहुत ज्यादा अलग हैं ओमिक्रॉन के। जी
जी सिम्टम लगभग वही हैं जो पहले हमारे उसमें थे कोविड में, डेल्टा वेरिएंट में। जी जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल अमित जी। हाँ जी, अब जो इसके सिम्टम सब कुछ वही है, बस थोड़े बहुत से चेंजेस इसमें इसमें आए हैं। जैसे ओमिक्रॉन में गले में खराश होना, जी सर में दर्द होना जी और बदन में दर्द, डायरिया और त्वचा में इसके लक्षण दिखाई देंगे। त्वचा में जैसे आपके रैशेस पड़ जाएंगे जी और उंगलियों में, पैर के उंगलियों में इसमें जो है इनका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाना, नीला पड़ जाना या हल्का उसमें, मतलब कलर में जी चेंजेस पूरे शरीर से। हाँ जी शरीर के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल कुछ चेंजेस डॉक्टर आ अमित। जाएंगे लेकिन उसमें देखिए इस उस। तरह के लक्षण जो है हमें आमतौर पर नॉर्मल फीवर, अगर आप सर्दियों का मौसम आ चुका है तो वैसे भी लोगों को इस तरह की परेशानियां होती हैं, तो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इसमें कि ओमिक्रॉन के लक्षण हैं या फिर नॉर्मल फीवर के हैं? देखिए इसमें कुछ लक्षण या हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको, जैसे उंगलियों का और अंगूठों का रंग चेंज, कलर चेंज हो रहा है इस वाले वेरिएंट में, पहले जी वाले में नहीं था इसका। जी ठीक है, और जो पहले वाले में, और इसमें बदन में दर्द होना, टूटन होना, इसमें बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये जी इस वाले वेरिएंट में। उसमें फीवर के साथ होता था, इसमें बिना फीवर के भी बदन में टूटन और ये सब रहेंगी चीजें। जी बिल्कुल डॉक्टर हाँ और अमित। तीन और अगर एक मैं बात करूं, बेंगलुरु की बात करूं, तो वहां पर एक डॉक्टर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए थे, हालांकि उन्होंने रिकवर कर लिया था, वो ठीक भी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोरोना से फिर से पॉजिटिव हो गए थे। तो यानी कि अगर ओमिक्रॉन किसी को हो जाता है तो उसके बाद भी लापरवाही नहीं बरतनी है? बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना जो पॉजिटिव है वो दिखाएगा, कोरोना जो पॉजिटिव ओमिक्रॉन के लक्षण आएंगे और वो एक तरह से है तो कोरोना ही वो भी, समझ जी रहे हैं, और लेकिन लक्षण वो पूरे आएंगे आपको दिखाएगा, वो आप बार बार टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट में आएगा काफी दिनों तक। जी जी वो जी रहेगा बॉडी में, जी ठीक बस है ये कि डॉक्टर। लक्षण ना आए, रह आए कोई बात नहीं, इसका मतलब है हमारे शरीर, हमारी इम्यूनिटी उसको स्ट्रांग है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कोविड पॉजिटिव दिखाएगा ये कंफर्म है। बिल्कुल डॉक्टर अमित। और एक ये भी सवाल है कि बच्चों को किस तरह से इस वेरिएंट से बचाया जाए, क्योंकि देखिए बड़ों ने तो वैक्सीन ले ली है लेकिन बच्चों की वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि हाँ कहा अभी तक ये नहीं जा रहा आई, है कि आ जाएगी, पहले कहा गया था कि अब आने वाली है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है कि कब तक वैक्सीन बच्चों की आ पाएगी। तो किस तरह से बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि देखिए अब स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जाना शुरू कर चुके हैं। अब ये है कि अभी तक गवर्नमेंट तो हमारी लगी हुई है इस चीज पे बच्चों के इसमें की उसकी वैक्सीन के लिए। हाँ जी लेकिन जितनी जल्दी हो सके, गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके ये चीज वैक्सीन निकाली जाए और बच्चों को दिया जाए, लेकिन बच्चों में इम्यूनिटी जो हमारे एडल्ट से काफी स्ट्रांग होती है उनके अंदर। जी तो हाँ ये यानी तो कि सब जानते भी ज्यादा, उसकी। यानी कि डॉक्टर अमित ज्यादा खतरा नहीं होगा इस बार बच्चों को, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव जब आएगी भारत में तो ज्यादा असर इस हाँ बार बच्चों पर हो सकता है इसका, तो ये कहा जा सकता है कि इस वेरिएंट का ज्यादा असर बच्चों पर नहीं होगा? नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कैसे कोई केसेस अभी बच्चों के नहीं आए हैं, सिर्फ अभी एडल्ट के ही आ रहे हैं केसेस जो आ रहे हैं। एक फैमिली हुई थी उसमें, शायद उसमें बच्चा था, लेकिन वो शायद लखनऊ का ही केस था, जी 15-16 साल की उसकी, तो अभी छोटे बच्चों की तरफ नहीं जा रहा है इसका। जी चलिए ठीक ठीक है ना, है। वैसे जी 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 बोलिए। हाँ वैसे हमारी गवर्नमेंट लगी हुई कि वैक्सीनेटेड हो जाए, बच्चों के लिए वैक्सीन बन जाए, तो जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन इसका चालू कर दिया जाए बच्चों का। जी, चलिए ठीक है डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें ओमिक्रॉन का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसीलिए सरकार, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और उसी तरह से काम कर रही हैं। गाइडलाइंस एक बार फिर से जारी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार ने धारा 144 लखनऊ में लागू कर दी है, इसके साथ ही तमाम गाइडलाइंस है। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, जिस तरह से देखा जाए गाइडलाइंस अब लखनऊ में सरकार ने जारी कर दी है, तो उसके बाद क्या कुछ और गाइडलाइंस में कहा गया है ओमिक्रॉन को लेकर?
देखिए फारूक, सबसे पहले तो बता दूं कि योगी सरकार जो है खासतौर से नजर बना के रखी हुई है जो विदेशों से लौटने वाले लोग हैं, क्योंकि लखनऊ में खासतौर से दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना थी और उसके बाद भी आशंका जताई जा रही थी कि कौन संकेत हो सकते हैं। हालांकि उनके जो ब्लड टेस्ट है, बाकी जो टेस्ट कराए जाते हैं उसके आधार पर उन्होंने अभी उसको एडमिट कर रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं खासतौर से जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको पहले जांच की जा रही है, उसके बाद इनको लखनऊ के अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन योगी सरकार की तरफ से अस्पतालों में जो इंतजाम है वो पहले से कोरोना को लेकर तो थे ही, लेकिन अब ओमिक्रॉन को लेकर भी तैयारियां पूरी तरीके से करी गई हैं। हालांकि अभी तक जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर है वो लगातार सीएमओ और सीएमएस जितने भी हैं हॉस्पिटल के, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन लोगों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और इसके साथ साथ गाइडलाइन इसी बात को लेकर उन्होंने जारी किया हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाए और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई आशंका जताई जा रही है तो उसको तुरंत एडमिट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से देखिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि 50% क्षमता के साथ ही अब होटल, रेस्टोरेंट्स और जिम में लोग पहुंच सकेंगे, तो क्या इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और सख्त ये गाइडलाइंस हो सकती हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि 25 दिसंबर पास है और खासतौर से 31 दिसंबर पास है, तो इसको लेते हुए खासतौर से योगी सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ ही साथ जो लखनऊ समेत बाहर के जितने भी यात्री हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से हो या रेलवे स्टेशन से हो या बस स्टॉप पे हो, तो सभी जगहों पर कैंप लगा दिया गया है। पहले उस कैंप के अंदर आके जाँच की जा रही है, उसके बाद बाकी जगहों पर एंट्री दी जाएगी। जी चलिए ठीक है, ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि लखनऊ में सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी भी लगातार ये जानकारी दे रही थी कि किस तरह से गाइडलाइंस जो हैं सरकार की तरफ से जारी की गई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन गाइडलाइंस को और ज़्यादा सख्त कर दिया जाए। खैर आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा ओमिक्रॉन को लेकर, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।